नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोकिया 5.1 प्लस का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में, कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं अपडेट लेने के बाद और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इस अपडेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप ये अपडेट लेना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाकर के सिस्टम जो ऑप्शन है उसमें जाइएगा। सिस्टम ऑप्शन में जाने के बाद सबसे लास्ट में आपको मिलेगा एडवांस्ड, उस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम अपडेट, उसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट दिखेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉयड 9 पाई वर्सन 2.20a। इसमें नया क्या है बताया जा रहा है एंड्रॉयड की तरफ से, वो है इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, यूज़र इंटरफेस इन्हांसमेंट हुआ है और गूगल का सिक्योरिटी पैच है अगस्त महीने का। तो इसके साथ ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं और ये 270.4 MB का अपडेट है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके देखता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आया है इस पर, और साथ में आपको बताता हूँ कि कितना अच्छा और कितना ठीक अपडेट है। तो अगर आपका डाउनलोड पॉज हो गया है, वेटिंग फॉर अनमीटेड वाईफाई दिखा रहा है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके रखी है, वो वीडियो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको देख करके कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अनमीटेड वाईफाई किया हुआ है ऑलरेडी तो फिर आप नीचे से ये रिज्यूम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आएगा, डाउनलोडिंग अपडेट ओवर मोबाइल नेटवर्क मीटर्ड वाईफाई और वाइल रोमिंग में कॉज एडिशनल चार्जेस, ये आएगा। कंटिन्यू कर देना इसे आप, और इसके बाद ये सिस्टम अपडेट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपके नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करते हुए ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, कितने समय में होता है। तो ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम अपडेट नहीं मिला है, फिर सेटिंग्स में जा करके सिस्टम ऑप्शन में जाने का, एडवांस्ड ऑप्शन में जा करके सिस्टम अपडेट जो है उस पर क्लिक कीजिए। 2-3 बार आप जब क्लिक करेंगे अपडेट पे तो वहाँ पे सिस्टम अपडेट आएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका पेंडिंग है तो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है और इंस्टॉलेशन के लिए वेट करना है, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉलेशन विल कंटिन्यू व्हेन डिवाइस इज नॉट बीइंग यूज्ड, टू इंस्टॉल नाउ टैप रिज्यूम। मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करके फिर से मैं बैकग्राउंड प्रोसेस को हटा करके इसको रिज्यूम कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको भी अगर ऐसा दिखाता है तो आप इसको बैकग्राउंड प्रोसेस को डिलीट करके आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं, जस्ट इसको इसके ऊपर टैप करना है वो रिज्यूम हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट को इंस्टॉल कर रहा है, अपलाइन सिस्टम अपडेट। अपडेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि 270 MB का फाइल है और UI में भी चेंजेस होने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप पेशेंस रखिए, थोड़े टाइम के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप चेंजेस को देख सकते हैं। ये सिस्टम अपडेट इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम अपडेट इंस्टॉलिंग ऐसा दिखाएगा और ऑप्टिमाइजिंग एप्स, एप्स को ऑप्टिमाइज़ करेगा फिर से ये। तो फिर से इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको इस अपडेट को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स का कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद सिस्टम अपडेट अवेलेबल ऐसा दिखा रहा है और नीचे की तरफ रिज्यूम के जगह पे रिस्टार्ट नाउ दिखा रहा है। तो अपडेट्स हो जाने के बाद अब मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट हो जाने के बाद जो सिस्टम चेंजेस हैं वो सिस्टम चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रिस्टार्ट कर ले रहा हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने सिस्टम अपडेट डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है, ऑप्टिमाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने सिस्टम को अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। एडवांस्ड में जा करके अभी सिस्टम अपडेट जो ऑप्शन है वहाँ पे देख ले रहा हूँ, वहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है। तो एंड्रॉयड वर्सन 9 सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अगस्त 2019, तो ये अभी अप टू डेट है, सिस्टम अप टू डेट है। और बाकी बात यहाँ पे यूज़र इंटरफेस की बात रही तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिस्टम अपडेट जो स्लो चल रहा है
अगर आप अपडेट कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट करने के बाद क्या आप भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे मेनू वगैरह में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, जैसे कि तैसा है। यहाँ पे बोला गया था यूज़र इंटरफेस में चेंजेस होने वाला है, तो फ़िलहाल अभी मुझे तुरंत इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ समय यूज़ करने के बाद हो सकता है कि इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो फिर मैं आपको अपडेट कर पाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि सिस्टम जब आप रिस्टार्ट करते हैं, अपडेट लेने के बाद रिस्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए सिस्टम थोड़ा सा स्लो ज़रूर रहता है, जो कि मैं फेस कर रहा था, जो मैं आपको बोला। उसके बाद अभी फ़िलहाल सिस्टम बहुत ही स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे बैटरी लेवल का भी जो इशू था, बैटरी ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम अगर आपका था तो वो भी रिजॉल्व होना है। जैसे कि मेरा ये 3 आवर्स अगो चार्ज हुआ है और मैं लगभग 2 घंटे से स्क्रीन ऑन टाइम है इसका, और अभी फ़िलहाल 79% चार्ज है। तो बैटरी इशू भी फ़िलहाल इसमें नहीं होने वाला है इस अपडेट में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ये सिस्टम अपडेट लेने के बाद आप अपने मोबाइल में क्या चेंजेस देख पा रहे हैं, आपके मोबाइल में क्या चेंजेस हो रहा है, स्लोनेस, बैटरी ड्रेनेज और फिंगर स्कैन वगैरह किस तरह से काम कर रहा है, स्पीड आ रहा है या फिर स्लोनेस आ रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।